कोरोना वबा के दौर में कुर्बानी के जानवर खरीदना इंतहाई आसान और महफूज बना दिया गया है। बकरीद करीब आते ही मुल्क में कुर्बानी ऐप लॉन्च कर दी गई है। नीम लॉकडाउन के सबब पहले ही हर चीज की खरीदारी के लिए लोग जदीद ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे थे। अब कुर्बानी ऐप ने जानवर खरीदने की मुश्किल भी आसान बना दी। इस ऐप की मदद से कुर्बानी के जानवर खरीदने और बेचने वाले एक दूसरे से बआसानी बात करके जानवर की सेहत और कीमत दोनों तय कर सकते हैं। बकरा खरीदना हो, भेड़ या गाय, कुर्बानी सर्विस के जरिए अपने पसंद का जानवर घर बैठे मंगवाया जा सकता है। पहले तो लोग इलाकों की बकरा मंडियों में जाते थे और तोल कर या अंदाजे से कीमत तय करके जानवर घर ले आते थे। ऐप ने खरीदार और बेचने वाले दोनों को ही आलमी सतह पर ला खड़ा किया है। ऐप पर जाएं और मुल्क भर में जानवरों का जायजा ले लें। आपकी पसंद का बकरा, भेड़ या गाय मुल्क के किसी भी शहर में मैसर है तो बस फिर मौजूदा वीडियोस देखें, कीमत जानिए, चैटिंग करके भावताव कर लें और वीडियो कॉल पर बकरे को चलवा कर देख लें कि चाल ढाल ठीक है। 6 दांत तोड़कर 2 या 4 दांत का बकरा तो नहीं बना दिया गया। सींग सलामत हैं या आरी से काटे गए हैं, ये भी देख लें कि किस शहर में व्यापारी मौजूद है और फोन नंबर पर रابطہ कर लें। मुश्किल हल हो जाएगी। बस इस बात का ख्याल रखना होगा कि अगर आप कराची में रहते हैं और बकरा लाहौर या इस्लामाबाद से खरीद रहे हैं तो किराया अलग खर्च होगा, मगर इससे व्यापारियों की जान भी छूट जाएगी कि वो नीम लॉकडाउन के दौर में इतनी बड़ी तादाद में जानवरों को लेकर बड़े शहरों की मवेशी मंडियों में जाने से बच गए हैं। दूसरे शहर से बकरा मंगवाते हुए इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि कहीं लाने ले जाने में कुर्बानी के जानवर को कोई मसला ना हो जाए। इस ऐप की मदद से ना सिर्फ जानवर को खरीदा जा सकता है बल्कि कुर्बान भी कराया जा सकेगा। यही नहीं, गोश्त अजीज और अकारिब और ज़रूरतमंदों में भी बांटा जा सकता है। कुर्बानी ही नहीं, सदक़े या खैरात के लिए गाय, बकरों और भेड़ों के खरीदो फरोख्त भी अब इस ऐप से मुमकिन हो गई है। ताहम ऐप के जरिए जानवर खरीदने और गोश्त अजीजों में भेजने से कुर्बानी के जानवर को लाने और गोश्त बांटने के बहाने मिलने मिलाने का बहाना ख़त्म हो जाएगा।